बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी सांप्रदायिक व जन विरोधी नीतियों से प्रदेश देश यानी कि उत्तर प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका सपा के लोगों ने इस बार चुनाव में गवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है और यदि मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे, और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाय इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो ये मुझे अपने बात क्यों आपके सामने रखनी पड़ी है, कल जो मैंने यूपी की जो रिव्यू बैठक बुलाई थी इलेक्शन का नतीजा आने के बाद, तो मैंने कोई मीडिया को कल कोई बाइट नहीं दिया था, ना कोई प्रेस नोट जारी किया था, और हमारे लोग भी मीडिया से दूर ही रहते हैं पार्टी के लोग, लेकिन कल पूरे दिन भर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से मैलाफाइड इंटेंशन से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हों, तो गलत तरीके से उसको हाईलाइट किया गया। तो मुझे जब मैंने खुद आज सुबह देखा, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रही तो मैं देख नहीं सकी टीवी जो है, तो लेकिन आज सुबह जब मैंने कुछ टीवी चैनल देखे और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्टेटमेंट जो मेरी तरफ से जो बयानबाजी मेरी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुद ही मीडिया में आकर स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहिए। इसलिए मैंने आज अपने जो कल जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। धन्यवाद।